साहब बैठे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी है सारे के साथ, क्या मांगे हैं और क्या? आउटसोर्स समुदाय कर्मचारियों की जो मांगे, प्रमुख मांगे हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों का सम्मिलियन और जॉब सुरक्षा गारंटी और वेतन रिवाइज और असंविदा का नियमितीकरण। और पिछले 6 जनवरी को मैंने अल्टीमेटम सरकार को दिया था, मुख्यमंत्री द्वारा पीएस महोदय ने हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंदौर में हमारा अप्रवासी कार्यक्रम है, इसको देखते हुए आप यह हड़ताल विड्रॉ कर लो, 15 दिन बाद आपसे मुख्यमंत्री टेबल टॉक चर्चा करवा के हम आपकी समस्या का समाधान करवा देंगे। 15 दिन बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने किसी भी संगठनों द्वारा, बिजली कंपनियों के संगठनों द्वारा टेबल टॉक पे गंभीर नहीं हुई। मजबूरन हमको 15 दिन का अल्टीमेटम स्वीकार करने के बाद दोबारा आंदोलन की राह पकड़ना पड़ी। पिछली बार भी आपने आंदोलन किया था, तब भी आश्वासन मिला था। पिछली बार भी हमने आंदोलन किया था, अब की बार हमारी आर पार की लड़ाई है, सरकार से चैलेंज है। आउटसोर्स कर्मचारी यदि काम करेगा तो सम्मिलियन होकर करेगा, अन्यथा काम करेगा ही नहीं। जो भी कार्रवाई करना वो स्वीकार करेगा पूरा मध्य प्रदेश का 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी और 6,000 संविदा कर्मचारी, और नियमित कर्मचारी जो है अपना वो शाम 4 बजे से यूनाइटेड फोरम के बैनर तले आंदोलन में कूद जाएगा। कितनी लोगों को परेशानी हो रही है बिजली की आपके आपके काम से? हमारे आउटसोर्स कर्मचारी से अनिश्चितकालीन हड़ताल से बैठने से जनमानस की जो भी समस्याएं हैं, बिजली अत्यावश्यक सेवा का काम है, पानी लोगों को समस्या है, डीपियां फूक गई हैं, FOC ST बंद है, बिल वितरण बंद है, सारी समस्या उत्पन्न हो रही है जनमानस को। समर्थन दिया है, किस प्रकार समर्थन दे रही है और क्या मांग है? जब से मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई है, तब से सारा वर्ग परेशान है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, युवा हो, सारे लोग परेशान हैं। अभी हमको जो है पता चला कि हमारे ये भाई बंधु यहाँ आउटसोर्सिस कर्मचारी बिजली विभाग के यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो मैंने इन लोगों से बात की तो इनका कोई खास मांग नहीं है। मांग तो जायज़ मांग है कि एक सम्मिलियन इनका जो है आउटसोर्स कर्मचारी का होना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण होना चाहिए, और जो बिचौलिए के माध्यम से इनकी जो तनख्वाह दी जाती है वो 100% ख़त्म हो जाना चाहिए। बिचौलिए क्योंकि कंपनी को इन्होंने ठेका दे दिया, कंपनी वाले इनको रखते हैं, और इनको जो वेतन मिलना चाहिए 15,000 रुपये, उसमें से 5,000 या जो भी वेतन कमीशन लेके तब इनको वेतन देते हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। इतने कम पैसे में किसी भी व्यक्ति का परिवार का संचालन नहीं हो सकता। हम लोगों ने अभी, मैंने आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष से बात की, उन्होंने कहा है कांग्रेस इनकी मांगों को पूरी तरह समर्थन करती है, इनके साथ सहानुभूति है, और कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से हम इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, अपने संकल्प पत्र में इनकी मांगों को रखेंगे। अगर ये लोग लड़ाई सड़क पर लाते तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल होंगे इसमें क्या? तो इनके साथ हैं हम, तो सब तरह से कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चले। अभी तो नेता दिख रहा है, कार्यकर्ता नहीं दिख रहा कांग्रेस? नहीं नहीं, अभी तो इनको समर्थन देने आए हैं ना, जब लड़ेंगे तो इनके साथ रहेंगे, सब तरह से साथ हैं। दूसरे, आपकी सरकार रही 15 महीने, उस समय नियमितीकरण क्यों नहीं करवा पाए? उस समय 15 महीने में सरकार ने जो वायदे किए थे, सरकार ने खुद ने जो वायदे किए थे, जैसे उन्होंने कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। हम उन्होंने कहा था कि हम वृद्धावस्था पेंशन जो है बढ़ाएंगे, 1,000 रुपये करेंगे, तो 300 रुपये तत्काल बढ़ा दिए, 300 मिलती थी 600 रुपये हो गए, अगले चरण में उसको 1,000 करना था। गौशालाएँ 1,000 गौशालाएँ चलाएं, तो निश्चित रूप से समय अगर मिलता तो इनकी मांगें भी पूरी हो जाती। आने वाले 8-10 महीने में चुनाव है, क्या इनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा अगर सरकार नहीं मानती है? नहीं, बता रहे हैं ना आपको, वो मेरी बात हुई अभी आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी से, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि हम अपने संकल्प पत्र में इनकी मांगों को रखेंगे।